तो कैसे हो सभी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक अग्रवाल, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम सीएमएचडी कोलकाता। तो गाइस, आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो कि कूचबिहार में सिचुएटेड है, इसका आपका राउंड थ्री का कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आपका राउंड वन में जो कट ऑफ था यूआर कैटेगरी वालों के लिए, उसके लिए कट ऑफ थे आपके पास 33,627 ऑल इंडिया रैंक विद इज कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स ऑफ 592 मार्क्स। यही कट ऑफ आपका ड्रॉप हुआ राउंड टू में टू 34,013 ऑल इंडिया रैंक, और इसमें आपके कट ऑफ मार्क्स जो थे वो थे 591 मार्क्स। अब बाकी कैटेगरीज का देखें तो बाकी कैटेगरीज का आपको देखने मिलेगा कि ऑलमोस्ट सभी का जो कट ऑफ रैंक थी राउंड वन और राउंड टू में सेम थे, जैसे कि ओबीसी ए, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी का आपको देखने मिलेगा कट ऑफ एग्जैक्टली सेम था। तो मैं आपके साथ यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जो है वो आपको बताता हूँ कि ओबीसी ए का जो आपका कट ऑफ मार्क्स थे जो राउंड वन और राउंड टू के लिए, वो आपके पास थी 590 मार्क्स। वहीं ओबीसी बी के लिए आपके पास कट ऑफ थी 583 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए कट ऑफ मार्क्स थे 565 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी के लिए जो आपके पास कट ऑफ मार्क्स थी वो थी 270 मार्क्स। अब एससी कैटेगरी हमारे बात आपसे बात करूँ तो एससी कैटेगरी का राउंड वन का जो कट ऑफ था वो था 123,356, और उसमें आपके कट ऑफ मार्क्स होते थे 486, और ये ड्रॉप हुआ पर राउंड टू में टू 124,248 ऑल इंडिया रैंक। तो ये था आपके पास राउंड वन और राउंड टू का कट ऑफ। वैसे आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा कि एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो मैंने रेड कलर से मार्क किया है। अब इसका ये मतलब है कि स्टेट का जो लास्ट एडमिशन हुआ है एसटी कैटेगरी में, वो आपका ये इस रैंक में हुआ है जो कि आपका इस कॉलेज में हुआ है। इस पर्टिकुलर रैंक के बाद आपके किसी भी एक एसटी कैटेगरी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं हुआ। तो इस रेड कलर का यही साफ साफ मतलब है कि दिस वाज द कट ऑफ ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर एसटी कैटेगरी। ठीक है गाइस, तो राउंड थ्री का कट ऑफ आप देखते हैं। राउंड थ्री का कट ऑफ जो हो सकता है वो हो सकता है आपका, मान लो कि ये चारों कैटेगरीज जो है आपके यूआर से लेके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनमें आप मान सकते हो कि अप्रॉक्स 100 रैंक आप मान सकते हो, इतना ही डिक्रीज होगा आपके राउंड थ्री में। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ज़्यादा कम, बहुत कम मैंने बोला है, बट सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुके तो कट ऑफ में वेरिएशन नहीं आने वाला है, तो यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और एससी कैटेगरी का बोलूँ तो एससी कैटेगरी में 200 रैंक आपको डिक्रीज़ होता हुआ दिख सकता है, और एसटी कैटेगरी में आपको मैक्सिमम 500 रैंक डिक्रीज होगा, या तो शायद हो सकता है वो भी ना हो। ठीक है गाइस, तो ये कट ऑफ प्रिडिक्शन है आपके पास फॉर दी एमजीएन मेडिकल कॉलेज कूचबिहार। अगर फिर भी आपके पास कुछ डाउट्स रह जाते हैं, वैसे तो मैंने सारा डाउट्स क्लियर करने का ट्राई किया, बट फिर भी अगर आपके पास कुछ डाउट रह जाते तो आप मेरे को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो वहाँ पे मैं डेफिनेटली आप उसको उस डाउट को आंसर करने का ट्राई करूँगा। बट फिर भी अगर मैं आपके डाउट आंसर नहीं कर पाता हूँ तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर मेरे को पूछ सकते हो डाउट्स, तो वहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली ट्राई करूँगा। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी का भी जो लिंक है उसको भी आप ज्वाइन कर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है और इंस्टाग्राम आईडी जो है, दोनों का आप मेरा ज्वाइन कर लेना, जो दोनों का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड कीप रॉकिंग गाइस।